बताइए सर, अमानत बैंक के सिलसिले में आपकी एक मीटिंग होने जा रही है, तो आपकी क्या गुजारिश है आवाम से, और किस सिलसिले में मीटिंग होगी और कहां पर होगी और कितने बजे होगी? अमानत बैंक का इलेक्शन 18 सितंबर जी में आ रहा है, कल से नॉमिनेशन चल रहे हैं, जी फेल हो रहे हैं अमानत बैंक हेड ऑफिस में। तो इस सिलसिले में जिसको इंटरेस्ट है, जिन्हों करना चाहते हैं नॉमिनेशन इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए, और वो ये तमाम चीज़ों के लिए, और दूसरे इनकी कोई राय रखना चाहिए लोगों के सामने, अमानत बैंक के शेयर होल्डर्स हैं, 20% का पैसा जो कट करके बैठे हैं, जो 65 करोड़ रुपया पड़ा है, ये बारे में भी कुछ बात करना चाहे, और नॉमिनेशन दाखिल करना चाहे, इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहिए लोग, ये लोग गुलिस्तान शाजी महल जो शिवाजी नगर में है, यहाँ पे 3 से 3:30 बजे से एक छोटी सी मीटिंग की अपील दरखास्त रखा हूँ मैं। आप लोग आगे आएंगे तो ये तमाम चीज़ों का खुलासा, खुसूसन इलेक्शन में जो कंटेस्ट करना है उनका, और ये 20% जो पैसे में 60 से 100 करोड़ रुपया अमानत बैंक में जो रुका हुआ है उसके बारे में पूछने वालों को, ये एक मुकाम बनेगा 3:30 बजे इंशाल्लाह अमानत बैंक में, गुलिस्तान की मीटिंग गुलिस्तान में शादी महल जो अमानत बैंक के सामने होती है इन्फेंट्री रोड में मेडिनोवा के सामने, उस दिन मंगल 6 तारीख को इंशाल्लाह होगी, मैं वहाँ पर हूँगा आप लोगों के साथ बात करके आपको राय मशवरा और आपकी कैंडिडेंसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे इलेक्शन में खड़ने के लिए। अगर कोई इलेक्शन में खड़ना चाहता है तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? मैं इंशाल्लाह जरूर उनका, जो चीजें हैं बताइए सर, जो पुराना मैनेजमेंट है, पुराना मैनेजमेंट जो किया है, अब वो चीज को रद्दे बदल करते हुए लोगों की जो अमानत है वो अमानत वापिस करके मुसलमानों के कौम के लिए माइनॉरिटी का टैग के जो शेड्यूल बैंक है वो बैंक बनाए रखने के लिए जितनी भी मेहनत लोग करना चाहते हैं उससे दुगनी मेहनत मैं उनके साथ जम के करूंगा, और ये लोगों को रास्ते भी बताएंगे, और बैंक भी माशाल्लाह करके चलेगी इंशाल्लाह, वो चलना चाहिए, मगर इसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अब इसमें जो 20% के पैसे पड़े हैं वो लोगों का पार्ट भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि अपना पैसा कई करोड़ों के रुपए 65 करोड़ रुपया में आज 20,000 करोड़ रुपए 65 करोड़ रुपए ना प्रेस्टीज के पास थे ना जियाउल्लाह शरीफ के पास थे, आज उनकी तो 10-20 हज़ार करोड़ की पूंजी है, तो ये 65 करोड़ रुपए जो छोड़े उन्होंने उनकी भी ऐसी और भी दुगनी दौलत होना चाहिए था, ऐसा पैसा छोड़ के वो सिर्फ 65 करोड़ भी नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी मिलना चाहूंगा मैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, ये लोगों को भी कैसे फ्यूचर आगे हम कैसा लेके जाना है उसके बारे में तफसील बातचीत होगी, इलेक्शन के बारे में होगी, 3 बजे से असर तक होगा इंशाल्लाह, आप जिसको हो सकता है उन्हें शामिल हो सकते हैं मंगल के दिन 6 तारीख सितंबर गुरुस्तान शादी मालूम।